राजनीति अभी जो चली हुई है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? जो ये लड़ाई है जी, ये जो दो पार्टियों के बीच में कश्मकश है जी, ये लड़ाई सैद्धांतिक है। भाजपा अक्सर ये बातें कहती है कि हमने तो 1,00,000 वोट नौकरियां दे चुके हैं, कांग्रेस ने लगभग 80,000-84,000 नौकरियां दी हैं, और कांग्रेस ने जो नौकरियां दी वो पर्ची खर्ची में चली है। क्या वो नौकरियां नौजवान के भविष्य को दुरुस्त बनाने के लिए हैं, या उसके भविष्य को एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे दलदल में निगल जाने के लिए? क्या लगता है कि संजय भाटिया को आप बीट कर पाएंगे? संजय भाटिया एक वो शख्सियत है, वो वोट बैंक है जो इंडिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जीते गए हो। माननीय संजय भाटिया जी बिना पट्टी झंडे के, बिना ढोल धमाके के आपकी गली में आ गए, आपके गांव में आ गए, तो क्या आप उनको पहचान जाएंगे? और अगर पहचान जाएंगे तो वोट उनकी, अगर नहीं पहचानेंगे तो वोट हमारी। क्या संजय भाटी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है आपको भी? हाँ, कुछ ऐसा किया हो? देखिए, जब तक मुझे ना इस बात का पता हो तो मैं उसकी पुष्टि, मुख्यमंत्री साहब के ऊपर ऐसा कोई आरोप आपको लगता हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर किसी प्रकार की पर्सनल टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, परंतु हाँ, बीजेपी की सरकार बहुत भ्रष्ट है। बीजेपी की सरकार में एग्जाम्पल ऐसे कोई बहुत एग्जाम्पल्स है। चाणक्य भाई, जो भाजपा ये कहती है कि उड़ा साहब के ऊपर मानेसर लैंड मामला है, और जो इस टाइप के आरोप लगते हैं, क्या वो सच हैं, झूठ हैं, या कुल उसमें चालाकियां हैं? देखिए, या दबाने की कोशिश है? मेरा ऐसा मानना है कि जो आप एडवोकेट रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो मामले उड़ा साहब के खिलाफ हैं जी, एज एन एडवोकेट मैं आपको बताता हूं जी। तो सारे भाइयों ने भाई, मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अपजे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई, हरियाणा में विषय अब और कुछ नहीं है, विषय है सिर्फ इलेक्शन। नौकरियां का था, कल सुनवाई थी, वह बंटाधारों की 19 तारीख पर चली गई, खट्टर साहब को 29 फरवरी नौकरी देवांगे, उधर एजी साहब बीमार हो गए, बिरयानी पर किसकी चला है। खैर, कोई बात नहीं, अब विषय है करनाल, विषय है पानीपत, विषय है लोकसभा, और कौन, वैसे तो कांग्रेस की तरफ से कोई ज़्यादा से नाम सामने आते नहीं है, लेकिन लास्ट के एक साल से जो मेहनत कर रहे हैं हमारे करनाल से, हमारे चाणक्य पंडित जी जो बड़ी हस्ती हैं, और कुलदीप शर्मा हमारे जो विधायक रहे हैं उनके सुपुत्र। सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे सर? जय भवानी, बहुत बढ़िया। जय श्री राम बोलने में कांग्रेस को तो कोई एलर्जी नहीं है ना, क्योंकि भाजपा ये सोचती है हमारा कॉपीराइट है इस पे। देखिए, हरियाणा तो राम राम की धरती है, यहाँ तो हम अपना अगर संबोधन शुरू करते हैं तो राम राम से करते हैं, अगर हम अपने बड़ों से मिलते हैं तो राम राम करते हैं, तो अगर उसमें जय श्री भी जोड़ दिया जाए तो हमें क्या दिक्कत है उससे, हम तो जय भवानी भी करते हैं। भवानी माँ की बड़ी कृपा रही है हम पे सारी उम्र, अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छी तालीम प्राप्त करी, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे संस्कार मिले, तो मैं तो मानता हूँ कि भवानी माँ की भी कृपा संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर रही है, और श्री की भी, श्री की अगर कृपा आपके ऊपर हो, और आप तो समझेंगे जी, श्री हरि कौन है? भगवान श्री परशुराम। क्या बात है, क्या बात है जी, जी जी जी, तो भगवान परशुराम की भी जय हो। जय हो, सही बात है जी। अच्छा, राजनीति अभी जो चली हुई है उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, अब कांग्रेस भी एनडीए में चली गई है, भाजपा भी एनडीए में चला गया, तो दोनों की राजनीति में फर्क क्या है? देखिए, जो ये लड़ाई है जी, ये जो दो पार्टियों के बीच में कश्मकश है जी, ये लड़ाई सैद्धांतिक है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई इस बात पे है कि भाजपा समझती है कि राज को हथियाने की नीति को राजनीति कहते हैं जी। इसके अनेकों उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, कहीं सरकार तोड़ते हैं, कहीं लोगों को प्रलोभन देकर अपने साथ जोड़ते हैं जी, परंतु राजनीति की असल परिभाषा अगर देखी जाए तो वो राज चलाने की नीति है। 2014 में इन्होंने अपने तरीके की राजनीति करी थी, बहुत बड़े बड़े प्रलोभन लेके समाज की हर परत को लुभावने वादे करे थे, उसके पश्चात उन वादों को दोहराया भी नहीं करा। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज की सैर करेगा, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष मिलेंगी, 15 लाख रुपए विदेश में अर्जित काले धन को लाकर
आपके चरणों में 15-15 लाख रुपए रखे जाएंगे। आज भाजपा बड़ी छाती चौड़ी करके बड़ी बेशर्मी से ये बात कहती है कि वो जुमला था, परंतु आप सब ने तो जनधन अकाउंट खोल लिए थे ना। अगर एक घर में चार मेंबर थे तो चार जनधन अकाउंट खुले थे, तो 15 लाख की वेट में, 15 लाख की वेट में। कहने का भाव क्या है जी? कहने का भाव ये है कि आपने उसको जुमला नहीं माना था, आपने उसको आश्वासन माना था। और आज हमारे सामने जो परिस्थिति बनती जा रही है वो ये रही है कि जो विश्वासघात के सिलसिले से हम गुजरे, जिस प्रकार से 10 साल से हमारी नजरअंदाजगी करी गई, हम खड़े नहीं दिख रहे, हम पड़े नहीं दिख रहे। हिंदुस्तान कोई मिट्टी का टुकड़ा थोड़ी ना, हिंदुस्तान हम और आप हिंदुस्तान बनाते हैं, हमसे और आपसे हिंदुस्तान बनता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि भाजपा की जो नीति है वो लोगों को प्रलोभन देकर, लोगों के ऊपर दबाव डालकर जनमत हासिल करने की नीति है। जो कांग्रेस की नीति है वो ये नीति है कि कैसे इस देश के आवाम की आखिरी पंक्ति तक सरकारी संरक्षण को, सरकारी बैसाखी को पहुंचाया जा सके। असल में गरीब आदमी को सरकारी संरक्षण और सरकारी बैसाखी की जरूरत है। जिनके पास घोड़े गाड़ी बंगले हैं उनको क्या जरूरत है सरकारी संरक्षण की, कोई सरकार आए। गरीब को जरूरत है और गरीब उस चीज से वंचित रहा है, उस सरकारी बैसाखी से विमुक्त रहा है। और यही विचारधारा की लड़ाई है जो जिस पे आपका सवाल था। हमारे चाणक्य पंडित जी ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का जो तोल रखते हैं, मैंने कांग्रेस में अभी तक किसी के पास दिखा नहीं, कमाल है। पिताजी का मैंने एक बार इंटरव्यू किया, हर बात पे शायरी थी, तो ये जो शब्दों की कलाकारी है यहाँ पे देखने को मिलती है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, भाजपा अक्सर ये बातें कहती है कि हमने तो 1,00,000+ वोट नौकरियां दे चुके हैं, कांग्रेस ने लगभग 80,000-84,000 नौकरियां दी हैं, और कांग्रेस ने जो नौकरियां दी वो पर्ची खर्ची में चली है, हम तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के काम करते हैं। देखिए, इसके दो पहलू जी। सबसे पहला पहलू संविधान से छेड़छाड़ का है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी ऊंचे स्वर में कहते हैं कि मैंने 1.5 लाख नौकरियां कौशल रोजगार के माध्यम से दी। ये बात तो निश्चित रूप से इन 1.5 लाख नौकरियों को संशय के दायरे में लाती हैं कि क्या ये नौकरियां और जो इनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या वो नौकरियां नौजवान के भविष्य को दुरुस्त बनाने के लिए हैं, या उसके भविष्य को एक ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे दलदल में निगल जाने के लिए कि जिससे वो कभी उभर ना पाए। आज हमारे स्कूल प्रणालियों में, हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसे भी मास्टर हैं जिनको 60,000 रुपये 70,000 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं, और ऐसे भी मास्टर हैं जो 20-25,000 रुपये प्रति माह पे। तो इस प्रकार से शोषण करना एक ही काम के, एक ही योग्यता के दो दर होना, ये एक नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। और इसका दूसरा पहलू बहुत अहम पहलू है जो मैं समझता हूं कोई आपके समक्ष रखता नहीं। देखिए, इस देश के संविधान में लगभग 50% इस देश के सिटीजन्स को, इस देश के आवाम को इस देश के संविधान ने साथ ले जाने का वादा किया था। लगभग 50% आरक्षण दिया था। आज उन 1.5 लाख नौकरियों में जिनकी छाती ठोक के कहा जाता है कि 1.5 लाख नौकरियां दी, 75,000 SC BC भाइयों को मिलती, 37,500 SC भाइयों को मिलती, 37,500 BC भाइयों को मिलती। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सत्ता पक्ष इस बात का हिसाब दे सकता है कि उस आरक्षित वर्ग तक, उस हिंदुस्तान तक जो पीछे छूट गया था, जिसका हाथ पकड़ के हमें अपने साथ लेके चलना था, क्या उस तक ये नौकरियां पहुंच रही हैं, या इस कौशल रोजगार के ढकोसले से वो नौकरियों से उनको वंचित रखा जा रहा है। दूसरा तरीका, एक और तीसरा एक और बात है जो मेरे अभी ध्यान में, मेरे संज्ञान में आई, और वो बहुत जरूरी है आपको समझना है, संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ करी जा रही है। जब कान को ऐसे नहीं पकड़ सकते तो कान को दूसरी तरफ से पकड़ने की, आप आरक्षण खत्म नहीं कर सकते तो आप निजीकरण के माध्यम से इस आरक्षित कैटेगरी की नौकरियों को छीन रहे हैं।
मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। हर 500 किलोमीटर पे लगभग 500 किलोमीटर पे औसतन एक समुद्री बंदरगाह श्रीमान अडानी को दे दी गई है। 14 समुद्री बंदरगाहें उनके पास, 7,500 किलोमीटर का समुद्री तट है, 14 समुद्री बंदरगाहें उनके पास 99 साल के लिए। उन समुद्री बंदरगाहों पे सिक्योरिटी कर्मचारी थे, मैनेजमेंट कर्मचारी थे, क्लर्क्स थे। उनमें से आधी नौकरी, एक समुद्री बंदरगाह लगभग 3,000 से 5,000 औसतन इंप्लॉयज रखती, उसमें से आधे इंप्लॉयज आरक्षित कैटेगरी के होने थे। क्या कोई हिसाब है कि जब निजीकरण हो गया 99 साल के पट्टों पे ये सरकारी 70 साल से अर्जित करी हुई धरोहर को चंद पूंजीपतियों तक पहुंचा दिया गया, क्या कोई हिसाब है कि जो नौकरियां हमारे उस हिंदुस्तान तक पहुंचनी चाहिए थी, जो 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 आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है, जो दायरों पर रहता है, क्या उन तक पहुंच रही है? तो ये भी एक सवाल है। और देखिए, आपने सबसे पहले बात करी नो पर्ची और नो खर्ची की, उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। लगभग 52 लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 52 एग्जामिनेशन हुए, उसमें से 38 एग्जामिनेशन हाई कोर्ट के नोटिस में है एंड दे आर बीइंग ट्रीटेड एज अ स्कैम। और आपके भी संज्ञान में होंगे, हर भर्ती रुकी हुई है। जिस भर्ती की आप बात कर रहे थे शुरुआत में कि किस प्रकार से एजी साहब की तबीयत खराब हो गई, भगवान उनकी तबीयत जल्दी ठीक करे जी, वो बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी है, पर जैसे उनकी तबीयत खराब हो गई तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनवाई की तारीख पे मैं ये पूछना चाहता हूं कि चलो तबियत तो खराब हो गई पर सुनवाई चल क्यों रही है? क्योंकि कहीं पेपर लीक हुआ है, कहीं की का इनकरेक्ट है, कहीं उलट पुलट सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, नो पर्ची और नो खर्ची का ढकोसला, अगर ये साबित कर पाए कि हम नो पर्ची नो खर्ची के आधार पर नौकरी दे रहे हैं तो आई वेलकम दिस। बट अभी तक तो हमारे सामने जो बात प्रत्यक्ष हो रही है वो ये है कि जो नौकरियां दी जा रही हैं, दे आर टेंटेड बाय स्कैम्स, दे आर टेंटेड बाय पेपर लीक्स, दे आर टेंटेड बाय स्ट्रेंज क्वेश्चंस कि क्या काला ब्राह्मण शुभ संकेत है, अशुभ संकेत, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब एक बहुत बड़ा ढकोसला है, सारी मीडिया के ये काबिज हैं और उस पर अपनी बीन बजाते रहते हैं सुबह से शाम तक, परंतु जनता को बड़ी भांति पता है कि हर पग पे जूता किस प्रकार से और कितनी तीव्रता से चुभ रहा है, और आने वाले चुनाव में जनता इनके सामने इनको आईना दिखाएगी, निश्चित रूप से दिखाएगी। आप लोकसभा पानीपत करनाल की तैयारी कर रहे हैं, काफी लंबे टाइम से आप काम भी कर रहे हैं, यस, क्या लगता है कि संजय भाटिया को आप बीट कर पाएंगे? संजय भाटिया एक वो शख्सियत है, वो वोट बैंक है जो इंडिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जीते गए हैं। किस तरीके से आपको अभी इन 5 सालों में नजर आया भाई, हाँ ये उनकी गड़बड़ थी, ये माइनस पॉइंट था, इस प्रकार आप उनको हरा देंगे? देखिए, इस बारे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, लगभग 436 गांव करनाल में है, 176 गांव यहां हैं, लगभग 100 कॉलोनीज हैं, 10 बड़े शहर हैं, छोटे बड़े शहर हैं। मैं हर जगह गया हूं, अब मैं पानीपत में हूं अगले 10 दिन के लिए, मैं हर जगह गया हूं, मैंने हर मोहल्ले में हर गली में केवल एक ही सवाल पूछा है। जब पार्टी के सवाल पे मैं आऊंगा, परंतु आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं, बैकग्राउंड दे देता हूं। जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुझे आदेश हुआ था कि पंडित चिरंजलाल के उदाहरण पे चलिए, उस उदाहरण का अनुसरण करिए, हर गली में जाइए, हर मोहल्ले में जाइए, हर शहर में जाइए, हर कॉलोनी में जाइए, जब मुझे उस उदाहरण का अनुसरण करने की बात कही गई थी तो मैंने पूछा था पंडित चिरंजलाल के ऐसे उदाहरण में ऐसी क्या बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर पंडित चिरंजलाल किसी गली में चले जाते थे, तो किसी मोहल्ले में चले जाते थे, तो उनको ढोल धमाका पट्टी झंडे की आवश्यकता नहीं थी, सब पंडित जी को जानते थे क्योंकि निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करते थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में। मुझे वहां से हिंट मिला और मैंने प्रत्येक गांव में, हर एक मोहल्ले में, हर एक गली में केवल एक सवाल पूछा है कि अगर माननीय संजय भाटिया जी बिना पट्टी झंडे के, बिना ढोल धमाके के आपकी गली में आ गए, आपके गांव में आ गए, तो क्या आप उनको पहचान जाएंगे? और अगर पहचान जाएंगे तो वोट उनकी, अगर नहीं पहचानेंगे तो वोट हमारी।
लोगों ने इस बात का जवाब दिया मुझे, कहते चाणक्य जी एक बात तो हमें भी समझ नहीं आती कि एक आदमी 21 लाख लगभग वोटर्स को ना पहचान पाए, ये तो स्वाभाविक है, परंतु 21 लाख एक को नहीं पहचान पा रहे, ये तो गफलत का मामला है ना पंडित जी। मैंने ये सवाल संजय भाटिया जी से पूछा कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, आप भी तो अपने चाहेंगे कि अपने बेटे को आगे बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरीके से मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से मैंने काम किया है। रोड पे पोस्टर चिपकाने का काम है, रोड पे और काम है, झंडे लगाने के कार्यक्रम है, मैंने उस तरीके से काम किया तो मेरा बेटा भी उसी तरीके से काम करे। चाणक्य पंडित की पहचान क्या है? देखिए, चाणक्य पंडित की पहचान ये है कि चाणक्य पंडित अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे गाँव में गया है, हमारे माननीय सांसद सारे गाँव में नहीं गए, अगर वो इस बात का प्रमाण दे सके दूसरी ओर से तो हम उनके गुनहगार होंगे। चाणक्य पंडित की यह पहचान है कि चाणक्य पंडित हर शहर में गया है, हर शहर के हर वार्ड में गया है, अगर माननीय सांसद इस बात का प्रमाण दे सकें कि उन्होंने भी इस प्रकार का काम कराया है तो हम उनके गुनहगार हैं। चाणक्य पंडित के परिवार में एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा है जी, 17 साल पंडित चिरंजीलाल डीसीसी प्रेसिडेंट थे, 17 साल, आपको शायद नहीं पता होगा जी, 17 साल डीसीसी प्रेसिडेंट रहे, 17 साल एमपी रहे जी, एमएलए भी रहे 2 बार जी, मेरे पिताजी डीसीसी प्रेसिडेंट रहे, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी रहे जी, मैं चुनावी राजनीति में उन्होंने पद हासिल करा वो आप जानते हैं जी, मैं भी 10 साल से कांग्रेस का डेलीगेट हूं, 10 साल से कांग्रेस के फुट सोल्जर की तरह अपने परिवार के उदाहरण का अनुसरण करते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करी। आज मैं कोई कैंडिडेट के स्वरूप में अभी नहीं उतरा हूं, मैं कांग्रेस को सशक्त बना रहा हूं, समय आएगा अगर पार्टी ने मुझे चुना तो कैंडिडेट के स्वरूप में भी उतरूंगा, परंतु आज ये मौका ऐसा है कि हमने कांग्रेस पार्टी को प्रबल बनाना है, कांग्रेस पार्टी को सशक्त बनाना है, कांग्रेस के संदेश को हर घर पे ले जाना है, कांग्रेस के संदेश को हर गली में ले जाना है, और वो काम मैं कर रहा हूं। इसमें इसको अगर कोई परिवारवाद की परिभाषा देना चाहता है तो दे सकता है, जैसे 10 लोगों ने अप्लाई करा है कांग्रेस की टिकट के लिए, मैंने भी अप्लाई करा है, 49 के 49 कांग्रेस संबंधित परिवारों से संबंध रखते हैं, तो इसका मतलब, और यहां भी अगर बीजेपी में भी बात करें तो बीजेपी में भी किन्होंने अप्लाई करा है, जिनका आरएसएस या बीजेपी से संबंध है, आज उन्हीं के नाम चल रहे हैं, आप अखबारों के माध्यम से जो हमारे सामने नाम आते हैं तो उन्हीं के नाम आ रहे हैं। अब इन सब बातों को अगर आप परिवारवाद की परिभाषा देना चाहें तो भी मैं आपकी बात मान लेता, परंतु अगर हम बीजेपी के परिवारवाद की लिस्ट को खोलने बैठेंगे प्लीज वो तो देख लीजिए, पीयूष गोयल जी से शुरू कर दीजिए, नितिन गडकरी से शुरू कर दीजिए, राजनाथ सिंह के बेटे से शुरू कर दीजिए, अमित शाह के बेटे से शुरू कर दीजिए, आप कहीं से भी पंक्ति को पकड़ेंगे जी। तो आपके समक्ष ये तो मैंने टॉप 5 बता दिए जी, जी जी, एक प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के नेक्स्ट 4 आर अ रिजल्ट ऑफ परिवारवाद। क्या संजय भाटी जी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगता है आपको भी, हाँ कुछ ऐसा किया हो? देखिए, जब तक मुझे ना इस बात का पता हो तो मैं उसकी पुष्टि, मुख्यमंत्री साहब के ऊपर ऐसा कोई आरोप आपको लगता हो? देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर किसी प्रकार की पर्सनल टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, परंतु हाँ, बीजेपी की सरकार बहुत भ्रष्ट है, बीजेपी की सरकार में एग्जाम्पल ऐसे कोई बहुत एग्जाम्पल्स है, आपके सामने ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई है कि असंध में रात को 9:30 बजे रजिस्ट्रियां हो रही थी, दफ्तर बंद होने के बाद अखबारों में आई है, आप सबने, आप सबके संज्ञान में है, 9:30 बजे रात को रजिस्ट्रीज हो रही थी। असंध के विधायक कौन है? गोगी है, पर असंध के तहसीलदार तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं ना जी, जी जी, तो वही ये प्रकार की गफलत कर रहे थे। आपके जैसे पत्रकार जब इनका करप्शन करनाल शहर में एक्सपोज कर रहे थे तो वो तो जेल में चले गए, और जिनका करप्शन एक्सपोज हो रहा था वो बाहर घूम रहे थे जी। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि बीजेपी ने किस प्रकार से, सुनने में एक आम सी बात आती है कि तहसीलों में
रेट सेट हुआ हुआ है, 300 रुपए गज, 400 रुपए गज, और वो सरकारी रेट नहीं, वो पॉकेट रेट है। तो इस प्रकार की बात जो सामने आ रही है, प्रशासन जो हावी हो रहा है, ये केवल एक कारण से हो रहा है। देखिए, हेराफेरी कौन कर रहा है? हेराफेरी आम पब्लिक का जो इंसिडेंट बनता है जी, वो इमीडिएट प्रशासन से बनता है, डीसी, एसपी, तहसीलदार, कानूगो, पटवारी। आम पब्लिक जो हम अपने सामने देख रहे हैं, ये कोई प्रधानमंत्री का करप्शन थोड़ी ना टटोलने जाते हैं, तो अपने इमीडिएट जो अधिकारी है उनका करप्शन टटोल। तो आम जनता से जब आप करनाल पानीपत में मिलते, तो उनको क्या कहते हैं कि भाई मुझे वोट इसलिए दो, किस लिए दो? मैं उनको कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस ने भूतपूर्व में भी गरीब को, गरीब का साथ दिया है। कांग्रेस ने भूतपूर्व में गरीब आदमियों को 4.5 लाख प्लॉट दिए, 4.5 लाख प्लॉट, यस। उससे पहले भी आप इस देश के किसी कोने में चले जाएं, जो इंदिरा कॉलोनीज हैं, आप किसी भी कोने में चले जाएं, इंदिरा कॉलोनीज आपने देखी होंगी जी, वो इंदिरा कॉलोनीज गरीब आदमियों की कॉलोनीज हैं, जो एक जमाने में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी थी। उसी प्रकार से एक जमाने में श्री राजीव गांधी जी ने प्लॉट दिए थे। गरीब आदमियों के परिवार में जब विस्तार होता है और उनको उस छत का विस्तार करना पड़ता है, तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है कि किस प्रकार से सरकारी संरक्षण हमने उन तक पहुंचाया। इसी प्रकार से आप महंगाई देख लीजिए, 10 साल पहले आप स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में आए हैं, अभी 10 साल पहले स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 43,000 की थी, आज स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 1 लाख की है, लगभग दुगना है ना जी? जी, जी, जी। अब तेल तो आप इराक से या पता नहीं रशिया से कहां से मंगवा रहे हैं जी, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तो यार मेरे ख्याल मुंजाल साहब का एक ग्रुप बुला रहा है, यही बुला रहा है। जी जी। तो आपके देश में ही दाम दुगने हो गए हैं। आप बुलेट मोटरसाइकिल देख लीजिए, देखिए सामने बाहर बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी है जी, इसका दाम 2.5 गुना हो गया है। तो जो आपके कंट्री में महंगाई जिस प्रकार से आटा दाल रोटी सब्जी फल फ्रूट हर चीज की कीमत दुगनी तिगनी, बीजेपी ने क्या कहा था कि 300 रुपए का सिलेंडर चाहिए तो बीजेपी की वोट दो। आज कांग्रेस आज उस दर से तो 3 गुना है सिलेंडर, और थोड़े दिन पहले 4 गुना था, और अभी चुनाव खत्म होंगे तो शायद 5 गुना हो जाए। और इसी प्रकार इन्होंने बोला था 35 रुपए का डीजल दो, 50 रुपए का पेट्रोल होगा अगर बीजेपी आएगी, आज आप देख लीजिए दुगना है। तो चाणक्य भाई, जो भाजपा ये कहती है कि ओडा साहब के ऊपर मानेसर लैंड मामला है, और जो इस टाइप के आरोप लगते हैं, क्या वो सच हैं, झूठ हैं, या कुन उसमें चालाकियां हैं? देखिए, या दबाने की कोशिश है? मेरा ऐसा मानना है कि आप एडवोकेट रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मामले ओडा साहब के खिलाफ हैं जी, एज एन एडवोकेट मैं आपको बताता हूँ जी कि एक तो ये सब जुडिस हैं, तो इन पे ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर हाँ, द वेरी फैक्ट कि हुडा साहब सब मामलों पे बेल पे हैं, ये और लोअर कोर्ट से ही बेल हुई है जी, तो ये इस बात का प्रमाण देता है दैट दे आर एब्सोल्युटली रबिश केसेस व्हिच हैव बीन फॉस्टेड अपॉन मिस्टर हुडा। बस दो छोटे छोटे सवाल और। एक सवाल ये कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की तरफ से सीएम कौन होना चाहिए, एसआरके ग्रुप में से कोई या हुडा साहब? देखिए, हमें एक ऐसे गोवर्धन पर्वत की आवश्यकता है जी, जिसके नीचे सारा गांव खड़ा होकर बारिश से अपने आप को बचा ले जी। अब वो गोवर्धन पर्वत हरियाणा में कौन है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, आप बता दीजिए। आप जानते हैं, पार्टी फैसला ले, हुडा साहब हैं। मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उतना बड़ा स्वरूप हरियाणा में अगर किसी आदमी का है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा। कुलदीप शर्मा जी, या आप किसको सर्वोपरि रखते हैं, हुडा साहब को अपना नेता मानते हैं, कांग्रेस को अपनी पार्टी मानते हैं? एक हुडा साहब या कांग्रेस? देखिए, हुडा साहब हमारे नेता हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, गोवर्धन पर्वत जिसके नीचे सब खड़े हो सकते हैं, एसआरके ग्रुप भी उसी के नीचे खड़ा हो सकता है, हुडा साहब के नीचे, क्योंकि वो गोवर्धन पर्वत मैंने आपको बताया, तो वो गोवर्धन पर्वत है जी। जैसे श्री भगवान श्री कृष्ण ने एक जमाने में गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे गांव को खड़ा करके उनको सैलाब से बचाया था जी, उसी प्रकार से हुडा साहब वो गोवर्धन पर्वत है जिनके नीचे हम सब खड़े हो सकते हैं। वो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनसे ज्यादा सीनियर मैं नहीं मानता हूं कि कोई है।
पार्टी जो अगर हुड्डा साहब नई पार्टी बनाते 1% मान लो हुड्डा साहब नई पार्टी बनाते तो आप कांग्रेस में रहेंगे हुड्डा साहब के साथ? सर देखियो ये जवाब देना पड़ेगा, स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है। अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा तो वैसा होता रहता है। नहीं ऐसा नहीं चल रही है। हुड्डा साहब के फादर भी कांग्रेसमैन थे जी, जैसे मेरे ग्रैंडफादर भी कांग्रेसमैन। जी जी जी। हुड्डा साहब के ग्रैंडफादर भी फ्रीडम फाइटर थे, एसोसिएटेड विद द कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस के साथ रहना क्यों छोड़ेंगे वो? हम सब कांग्रेस के साथ रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो भाई यह वीडियो हमें कैसी लगी? पहली बार लोकसभा मेंबर ऐसे जो अपने प्रत्याशी हैं और इतनी स्ट्रॉन्गली बात कर रहे हैं, पहली बार हमने कोई ऐसी वीडियो देखी। फिलहाल अपन लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तब तक धन्यवाद। इन भारत माता की जय। थैंक यू।